आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बारकोड बनाने के बारे में कि हमें विधि से बारकोड कैसे बनाना है। बेसिकली बारकोड बनाने के लिए आप दो तरह से बारकोड बनाते हैं। पहला तो एक सॉफ्टवेयर आता है बारकोड ट्रेंडर के नाम से, जिसके अंदर आपके ऑटोमेटिक बारकोड बने रहते हैं और वहाँ पर आपको सिर्फ बारकोड निकालने के लिए प्रिंट की कमांड देनी होती है और आप बारकोड निकाल लेते हैं। दूसरा हम बनाते हैं विधि के द्वारा। अगर हमें विधि से बारकोड बनाने हैं तो हम विधि से बारकोड किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पर आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपको बारकोड बनाने हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बारकोड को बना सकते हैं। तो यहाँ पर बारकोड बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना है विधि के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, और इन्वेंट्री के अंदर आप आगे आपको चालू करना है यहाँ पर पैरामीटराइज डिटेल्स। पैरामीटर डिटेल्स आप ऑन करेंगे, उसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि जो आप बारकोड बनाना चाह रहे हैं, आप जो बारकोड बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर आपको क्या क्या पैरामीटर चाहिए। तो आपने कहा कि आप जो बारकोड बनाने जा रहे हैं उस पर क्या क्या पैरामीटर चाहिए, आपने कहा बेसिकली आपको तीन पैरामीटर चाहिए यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर तीन पैरामीटर कर दिए। क्या चाहिए आपने कहा, एक तो यहाँ पर आपका आना चाहिए साइज, दूसरा आपने कहा यहाँ पर आना चाहिए कलर, और एक आपने कहा डिज़ाइन नंबर यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, जो भी आप बारकोड बनाएं उस पर ये तीन चीज़ आ जाए। क्या आ जाए, एक तो आपका साइज आ जाए, कलर आ जाए, दूसरा क्या आ जाए, तीसरा क्या आ जाए, यहाँ पर डिज़ाइन आ जाए। तो आपने ये तीनों चीज़ें डिफाइन करी यहाँ पर, डाली यहाँ पर। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट बारकोड नंबर। अगर आप बारकोड बनाना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। आप ऑन करेंगे ऑप्शन, जैसे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ और देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब क्या देखने को मिल रहा है आपको, बारकोड नंबर BCN कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बारकोड की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोल रहा है आपसे। कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट BCN जनरेशन मोड, आपके यहाँ पर जो बारकोड बनाना चाहते हैं वो बारकोड किस तरह से बनाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक बारकोड बनाने हैं यहाँ पर फिर आपको, या मैनुअली बारकोड बनाने हैं। तो आपने कहा कि आप जो बारकोड बनाने जाएंगे वो आपके ऑटोमेटिक बारकोड बनने चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिक बारकोड कॉन्फ़िगरेशन क्या रहनी चाहिए आपकी, कंटिन्यू नंबर रहना चाहिए या फिर आइटम पैरामीटर वैल्यू रहनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर बोला कि इसमें कंटिन्यू नंबर रहना चाहिए। उसके बाद आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर फॉर बारकोड नंबर, कितने कैरेक्टर का रहेगा आपका। तो आपने बोला यहाँ पर 6, मिनिमम यहाँ पर आप 5 कर सकते हो। उसके बाद BCN फॉर्मेट, यानी कि बारकोड का जो आप फॉर्मेट बनाने जा रहे हो वो बारकोड का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, अल्फा नुमेरिक रहेगा या फिर नुमेरिक रहेगा। अल्फा नुमेरिक मतलब यानी कि जो आप बारकोड बनाओगे उस पर आपको नंबर्स चाहिए और अल्फ़ाबेट चाहिए, या सिर्फ नंबर चाहिए। तो आपने बोला यहाँ पर आपको सिर्फ अभी नंबर चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूछता है आपसे अलाउ डुप्लीकेट BCN, क्या आप डुप्लीकेट बारकोड को अलाउ करना चाहते हो। आपने कहा नहीं, अलाउ नहीं करना यहाँ पर। देन आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ओके किया और इसको सेव कर दिया। ये हमने यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करी। इन्वेंट्री के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप आएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, अब आपको जहाँ से बारकोड बनाने हैं, बारकोड निकालने हैं, उसके अंदर आप जाएंगे। अगर आप परचेज से बारकोड बनाना चाहते हैं तो परचेज से, या फिर अगर आप स्टॉक जनरल से बारकोड बनाना चाहते हैं तो आप स्टॉक जनरल में आके बारकोड बना लेंगे। तो अभी आपने फिलहाल बोला आपको बारकोड जो कहाँ से बनाने हैं, आपने कहा परचेज से बारकोड बनाने हैं। मेन के अंदर आए आप और आपने यहाँ पर चालू किया वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग, यानी कि जब भी आप बारकोड को सेव करो तो आपके बारकोड प्रिंट के लिए पूछे, और यहाँ पर आप सेव करोगे। सेव करोगे तो आपको एक मैसेज देगा बारकोड प्रिंटिंग, टू प्रिंट आइटम बारकोड यू नीड टू बाय लाइसेंस फॉर बारकोड प्रिंटिंग एड ऑन सेपरेट फ्रॉम बिजी लाइसेंस। कह रहे हैं कि आपको बारकोड प्रिंट करने के लिए एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो विधि से अलग खरीदना पड़ेगा आपको। आप इससे भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या होगा, आप एक बार में 10 बारकोड निकाल पाएंगे, यानी कि डेमो मोड में
विदाउट लाइसेंस अगर आपने परचेज नहीं किया है तो आप डेमो मोड में एक बार में सिर्फ यहाँ पर 10 बारकोड ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप बारकोड यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद आप क्विट करते हैं। क्विट करने के बाद अब आप आगे आएंगे, आप आएंगे यहाँ पर एड ऑन के अंदर। एड ऑन के अंदर मिलेगा आपको आइटम बारकोड प्रिंटिंग। क्या मिलेगा एड ऑन के अंदर आपको? एड ऑन के अंदर मिलेगा आपको आइटम बारकोड प्रिंटिंग। अब आप आइटम बारकोड प्रिंटिंग के अंदर आएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल्स। सबसे पहले आप आएंगे कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल्स के अंदर। यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक फॉर्मेट को ऐड करेंगे। एक फॉर्मेट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपको अपने बारकोड प्रिंट करने के लिए जो यहाँ पर आपको फॉर्मेट का नाम देना है अपने, वो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अपने फॉर्मेट का नाम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया अपने फॉर्मेट का, अड़तीस पचास। हमने कहा बारकोड का जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो 3850, यानी कि बारकोड जो स्टिकर का साइज रहेगा हमारा 3850 रहे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट करेंगे। कॉन्फ़िगर फॉर्मेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पिक बारकोड फॉर्म वैल्यू। अब आप जो बारकोड बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं आप, बिजी डाटा से या फिर एक्सेल शीट से? तो आपने बोला कि आप जो बारकोड बनाना चाहते हैं वो कैसे बनाएंगे आप, आपने कहा बिजी डाटा से बनाएंगे। आप बारकोड का टाइप क्या रहेगा, आपका आइटम ओनली रहेगा या फिर आपका BCN ओनली रहेगा या फिर आइटम प्लस BCN रहेगा या आइटम प्लस पैरामीटर रहेगा या कंपोजिट रहेगा? तो यहाँ पर आपको जो रखना है वो डिसाइड करना है आपको BCN ओनली, बारकोड नंबर ओनली। उसके बाद सेलेक्ट सीट टाइप क्या रहेगा, आपका कस्टम रहेगा, मिलीमीटर्स रहेगा। तो आपने कहा कस्टम रहेगा, मिलीमीटर्स रहेगा। और सेट प्रिंटर कन्फिगेशन, आप किस प्रिंटर से बारकोड यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो बेसिकली बारकोड निकालने के लिए आपका एक अलग प्रिंटर आता है जिसको बोला जाता है TSC प्रिंटर, ठीक है। बारकोड निकालने के लिए एक अलग प्रिंटर आता है जिसको बोला जाता है TSC। स्विच ऑन है नेट का। तो यहाँ पर हम किससे निकालेंगे, जो हमारा बारकोड का प्रिंटर होगा। तो अभी फिलहाल ये दिए गए तो हम यहाँ पर ये रख लेते हैं। आप विंडोज़ रखेंगे यहाँ पर। विंडोज़ के बाद आपसे पूछेगा कि आप जो बारकोड निकालने जा रहे हैं वो कैसा है, आपका कटशीट है या फिर कंटिन्यू रोल है। कंटिन्यू रोल आपका रोल आएगा बारकोड का, कटशीट आपका एक पेपर आएगा। जैसे ये आता है आपका बारकोड रोल, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके बारकोड प्रिंटर के अंदर आपको लगाना पड़ता है यहाँ पर ऐसे करके ये, और आपका ये इस पर ये ऐसे प्रिंट होता रहता है यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर प्रिंट होता रहता है और यहाँ पर ये इस तरह से बाहर निकलता रहता है आपका। तो हमने बोला कि हमारा जो यहाँ पर रोल है वो यहाँ पर कंटिन्यू रोल निकालेंगे हम। यहाँ पर कंटिन्यू रोल किया हमने यहाँ पर। उसके बाद नंबर ऑफ लेबल्स इन वन रो, एक रो में कितने लेबल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रो में दो लेबल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या डाल देंगे, दो डाल देंगे। दो हैं तो दो, तीन है तो तीन, चार हैं तो चार, जितने लेबल्स हैं आपके आप वो डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा दो है यहाँ पर। मार्जिन रखना है, आपने कहा मार्जिन के नहीं रखना। हमने वहाँ क्या डाला था, 3850। तो यहाँ पर हम 3850 रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप कन्फिगर करेंगे लेबल्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपका बार कोड ये बन के आ जाएगा। ये आपका नॉर्मली बारकोड है। अब इसके अंदर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, कुछ थोड़ा अट्रैक्टिव बारकोड बनाना है जिससे आपका देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बारकोड के अंदर। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने कहा कि मुझे अब इसका साइज़ बड़ा करना है। तो यहाँ पर मैंने साइज़ पर इसका साइज़ में डाल दिया इसे 10। तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा 8 रखना है तो 8 किया। और इसको यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसका प्रिंटिंग स्टाइल। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक से क्या होगा, डार्क ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आइटम को भी हम ऐसे ही रखते हैं यहाँ पर।
और इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके लिए भी यहाँ पर रख देते हैं एरियल, एरियल ब्लैक, और इसको हम बोल्ड करेंगे। फॉन्ट साइज सेम यही रखते हैं। उसके बाद पैरामीटर वैल्यू को भी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम बोल्ड कर देंगे और एरियल ब्लैक और बोल्ड। उसके बाद सेकंड वाले को भी यहाँ पर ऐसे करेंगे और यहाँ पर हम इसके लिए रख देंगे एरियल ब्लैक और बोल्ड। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड वाले को भी ऐसे ही करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके लिए यहाँ पर हम कर देंगे एरियल ब्लैक और बोल्ड। फोर्थ वाले को भी यहाँ पर सेम ऐसे ही करेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे हम एरियल ब्लैक और बोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा बारकोड बन गया। अब इसके बाद ना देखो, आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछेगा आपको कंपनी कहाँ पर रखनी है, सेंटर में रखनी है, लेफ्ट रखनी है या राइट रखनी है। तो आपने कहा लेफ्ट रखनी है तो लेफ्ट आ जाएगी ये आइटम, ये आपने कहा ये कहाँ रखना है, आपने कहा ये भी आपको क्या करना है लेफ्ट ही करना है। पैरामीटर वैल्यू आपने कहा लेफ्ट चाहिए, ये आपने कहा ये भी आपको लेफ्ट चाहिए, ये आपने कहा ये भी, सब अभी सेंटर में आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। और ये हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, माउस को दबा के रखेंगे आप और इसको उठा के थोड़ा सा बाहर नहीं जाना चाहिए, कंट्रोल शुड नॉट बी मूव्ड आउटसाइड। ये जो आपको ग्राफ दिया गया है इस ग्राफ के अंदर ही रहना चाहिए ये आपका। इस पर क्लिक करके आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। आइटम पे क्लिक करो और आइटम को भी सेम इसी तरह से उठा के साइज थोड़ा छोटा कर दें। उसके बाद पैरामीटर वैल्यू वन को आप उठाओ यहाँ पर इस तरह से ही, और पैरामीटर वैल्यू टू को भी। इसको भी आप उठा के यहीं रख दो। पैरामीटर वैल्यू तीन को भी उस तरह उठाओ आप। और एमआरपी वो को भी आप ऐसे उठा लो। ठीक है, अब ये जो आ रहा है आप सबको बराबर रखना चाहते हैं तो सबको बराबर भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये बारकोड बन गया आपका यहाँ पर इस तरह से। अब अगर आपको यहाँ पर कलर बारकोड निकालना है तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप बारकोड को कलर भी कर सकते हैं यहाँ पर। जो आप कलर करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कलर भी यहाँ पर रख सकते हो बारकोड के। जो आपको यहाँ पर कलर रखना है वो कलर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बारकोड का बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो जगह कुछ बची हुई है। अगर आप इस वैल्यू के अलावा आपको कुछ और भी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आपने कहा सर कि मुझे अपना फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पर, तो आप क्या करो डबल क्लिक करो यहाँ पर ऐड कंट्रोल पर। डबल क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ब्लैंक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आप चीज़ के अंदर डालना चाहते हो, जो चीज़ लिखना चाहते हो, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट दिया गया है। अगर आपको डाटा फील्ड चाहिए यानी कि जो भी आपको कंपनी से रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए, आइटम का सेल प्राइस, परचेज प्राइस, आइटम नेम या जो भी यहाँ पर आपको चाहिए वो यहाँ पर रख सकते हो आप। अगर ये नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलर फिक्स चीज़ें चाहिए, तो प्लेन टेक्स्ट करो और यहाँ पर वैल्यू डाल दो आप जो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए। के डालोगे आप तो ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा आपका। आप इसके साइज को बड़ा करना है तो बड़ा कर लेंगे आप। जो भी यहाँ पर आपको साइज रखना है वो यहाँ पर आप साइज को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव कर देंगे आप, देन यहाँ पर भी आप सेव करेंगे, क्विट करेंगे और यहाँ से क्विट करने के बाद अब आप आएंगे परचेज के अंदर। परचेज के अंदर आकर ऐड करेंगे, डेट डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे और यहाँ पर परचेज करेंगे। यहाँ पर एक आइटम बना लेते हैं आप, यहाँ पर आपने आइटम बना ली टी शर्ट और आपने कहा पीस में है ये, और आपने कहा इसका सेल का प्राइस है 500, परचेज का 350, एमआरपी आपने कहा 650 है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको F2 से सेव कर देंगे। आपने कहा 10 पीस परचेज की है, साइज़ आपने कहा मीडियम है, कलर आपने कहा रेड है, डिज़ाइन नंबर आपने कहा 1004 है, क्वांटिटी आपने कहा 5 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका ऑटोमेटिक बार कोड बनकर आने लगे। यहाँ पर स्मॉल साइज है, आपने कहा ये ग्रीन कलर है और आपने बोला 1005 है ये, और ये दो क्वांटिटी है, और ये आपने कहा लार्ज है, ये आपने कहा वाइट है ये, और आपने कहा 1006 है ये, तीन क्वांटिटी। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2 और 3 ये आपके बारकोड नंबर यहाँ पर आने लगेंगे। उसको आप ओके करेंगे और यहाँ पर क्या दबाएंगे आप, F2 बटन दबाएंगे। F2 बटन दबा के आप क्या कर देंगे इसको सेव कर देंगे। अब जी सेव करेंगे तो आपसे पूछेगा प्रिंट आइटम बारकोड, क्या आप आइटम का बारकोड यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं? तो आपने कहा ये हाँ आइटम का बारकोड यहाँ पर हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे, कह रहा है कि आपने अभी परचेज नहीं किया डेमो मोड में, हमने कहा कोई बात नहीं ओके करोगे आप तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपके 10 बारकोड निकलेंगे। यहाँ पर आप ओके करोगे, आप प्रीव्यू देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे जूम कर लेते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम, बारकोड नंबर, कंपनी का नाम, आइटम नेम, बारकोड नंबर, साइज, कलर, डिज़ाइन नंबर, MRP, इस तरह से ही आगे 5 पेज पर आपके 10 बारकोड आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर बारकोड बनाने थे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हमको बिजी से बारकोड किस तरह से डिज़ाइन करने और किस तरह से हमें बिजी के अंदर बारकोड को बनाना है यहाँ पर। ठीक है, सभी को बनाने आगे बिजी से बारकोड यहाँ पर। अब इसके अंदर कुछ आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई हैं, ऐड ऑन के अंदर आओगे, बारकोड के अंदर
तो यहाँ पर प्रिंटिंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, प्रिंट आइटम बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर, यानी कि आप एक साथ जितने भी आपके पास आइटम हैं उन सभी का आप अगर बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट बारकोड फ्रॉम वाउचर, कोई ऐसा वाउचर जो आप प्रिंट करना चाहते थे लेकिन भूल गए, अब आपको दोबारा से भी प्रिंट करके निकालना है, चाहे परचेज़ का हो, सेल का हो, जो आप निकालना चाहोगे वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो आपको प्रिंट करके निकालना है। ठीक है, उस वाउचर को सिलेक्शन करो, यहाँ पर सेलेक्ट करो, ओके करो और यहाँ पर प्रिंट निकाल लो उसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास प्रिंट आइटम बारकोड फ्रॉम करंट स्टॉक, यानी कि जितने भी आपके पास करंट स्टॉक है उन सभी का आपको बारकोड जनरेट करना है, तो उन सभी का बारकोड आप यहाँ पर एक बार में निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास प्रिंट बारकोड फ्रॉम एक्सेल शीट, एक्सेल शीट पर आपको कोई डाटा है उससे आपको बारकोड निकालना है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, उससे आप यहाँ पर बारकोड निकाल सकते हो। ठीक है, पाथ दो यहाँ पर, जो आपका डाटा है वो यहाँ से आप निकाल लोगे। उसके बाद प्रिंट बारकोड फ्रॉम बी सी एन सीरियल नंबर, कोई आपको एक सिंगल बारकोड निकालना है, इसका आपने सीरियल नंबर डाला डालोगे तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, बारकोड निकाल लोगे यहाँ पर उसका, यहाँ पर बारकोड का नंबर सही होना चाहिए, नंबर सही होगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, बारकोड निकाल सकते हो। तो देखो बारकोड आपका निकल के आ जाएगा अगर आपका बारकोड का नंबर सही होगा। उसके बाद ऑटो जनरेट आइटम अलियास, अगर आपको कुछ अलियास नेम जनरेट करने तो यहाँ पर आप अलियास नेम भी जनरेट कर सकते हैं। और ये आज की क्लास के अंदर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया बारकोड फीचर्स के बारे में और बारकोड के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।